वो ओपनली एक ही वर्ड बोलूंगा भाई, प्ले स्टोर तुम्हारे पास खुला है, तुम्हारा तुमने मेल किया गरीना को, गरीना ने नहीं सुना, तुमने मैसेज किया गरीना ने नहीं सुना, तुमने यहाँ तक कि कस्टमर केयर पे कॉन्टेक्ट किया गरीना ने नहीं सुना, गरीना एक जगह सुनता है वो है प्ले स्टोर की रेटिंग। जाओ और तोड़ दो अच्छे से जितनी दे सकते हो। फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर। फोन बजा एक्स वाला सीन है, फिर रॉन्ग नंबर। शॉट हुआ डरे के लगाते तुम 100 नंबर, शॉट हुआ तेरे पे लगाते। सो गाइस, आप में से गाइस बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जिनको गाइस ये वाले इवेंट्स याद होंगे जिसमें आप लोगों को गोल्डन सूस, वाइट सूस, ये गाइस बिल्कुल फ्री में मिला था। और ऐसे करके फ्री फायर के अंदर पहले बहुत सारे इवेंट आते थे, FF टोकन से भी आप लोग यार बहुत सारे रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर पाते थे, अलग अलग इवेंट यार, जैसे गाइस ये सब रिवॉर्ड्स हो गए, बंडल्स, ये जो तवा दिख रहा है, मतलब अलग अलग चीज़ आप लोगों को याद होगा। ये सब गाइस हम लोग को फ्री में मिला करता था, थोड़ा टास्क करने पड़ते थे। और एक टाइम तो गाइस आप लोगों को याद होगा, जो पुराने प्लेयर है एकदम उनको याद होगा कि हिप हॉप बंडल भी आया था, मतलब इतने मस्त मस्त इवेंट आया करते थे यार। 2018 के टाइम पे हिप हॉप बंडल आया था, एक क्रेट वरेट के अंदर उसको खोलना था, मतलब थोड़ा डायमंड्स लग रहे थे, उसी के साथ साथ ये बंडल्स आए थे, बहुत कुछ गाइजर आया था, ठीक है। और ऐसे छोटे छोटे इवेंट कर करके आप सभी भाई लोगों ने गाइज अपनी आईडी को गाइजर मेंटेन किया होगा, और ये सब जो रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं बंडल्स वंडल्स ऐसे करके जमा कर करके आप लोगों ने अपनी फ्री फायर की आईडी को स्ट्रॉन्ग किया होगा, मतलब अच्छा दिखने में उसको मेंटेन किया होगा, ठीक है। लेकिन गाइस यार आप लोग सोचो, आप लोगों ने जो इतनी मेहनत की है डेली ये सब इवेंट कंप्लीट करके, इतनी जो तुम लोग ने आईडी मेंटेन की, और एक दिन क्या आता है कि तुम्हारी जो आईडी है वो गाइस बैन हो गई विदाउट एनी रीज़न, मतलब कोई रीज़न भी नहीं है, तुम्हारी फ्री फायर की आईडी वो बैन हो गई है, ठीक है। और तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, इतने मस्त मस्त इवेंट याद होगा गाइस यार वो दिन आप लोग को, जब गाइस हम लोग का वो आया था, क्या बोलते हैं, ब्रेक डांसर बंडल का इवेंट आया था, जिसमें बेसिकली आप लोग को ब्रेक डांसर बंडल गोल्ड रॉयल में मिल रहा था यार, लिटरली अभी मैं दिखाता हूँ तुम लोग को, ये वाला दिन याद होगा आपको, जब ब्रेक डांसर बंडल आपको गोल्ड रॉयल में मिल रहा होगा, जो पुराने बंदे हैं उनको याद होगा कि पहले ब्रेक डांसर बंडल गोल्ड रॉयल पे आता था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कर करके भाई बंदों ने अपना कलेक्शन बनाया, इतने इवेंट में मेहनत किया है, फिर क्या क्या किया आप लोगों को पता नहीं, तब जाके अपनी एक फ्री फायर आईडी का कलेक्शन बनाया, तब जाके ऐसे ऐसे इवेंट आए थे जिसमें M10 ये मिल रहा था, फिर कभी एनिवर्सरी का ये जो टोपी है केक वाला प्यारा सा ये मिला था, वाउचर्स मिले थे, ऐसे कर करके भाई बंदों ने इतनी दिन भर मेहनत कर करके इतना सारा कलेक्शन बनाया। और इतना कुछ करने के बाद लोगों की जो आईडी है वो बैन हो गई है, मतलब याद होगा आपको वो दिन गाइस, ये जो M10 की स्किन्स है सारी की सारी गाइस फ्री में मिली थी, सारी मतलब ऐसे करके एक एक कोई ना कोई इवेंट में आ गए थे, सारे गाइजर फ्री करके आए थे, आपको याद होगा, ठीक है। ऐसे कर करके ये वाला भी इवेंट आया था जिसमें गाइस आप लोग को ये बंडल फ्री में मिल रहा था, डेविल हंटर बंडल हम लोग को कितना मेहनत से फ्री में मिला था, क्लैश स्क्वाड गाइस यार ये जिसमें हम लोग को ये सब यार कितने रिवॉर्ड्स थे गाइस, एक बंदे ने ना अपनी आईडी में बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड्स लिए होंगे, गरीना फ्री फायर क्योंकि छोटे मोटे फ्री रिवॉर्ड्स देते रहता था, बट उससे भी अच्छा कलेक्शन बन जाता था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। फिर ये टकले का इवेंट भी आया था जो 30 दिन लॉगिन इवेंट में आया था और बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले थे, फिर ये वाले भी रिवॉर्ड्स मिले थे, लिटरली गाइस इतने सारे मेहनत किया है बंदों ने, ऐसा नहीं कि ऐसी किसी का कलेक्शन बन जाता है कि आज आए फ्री फायर में और कल उसका कलेक्शन बन गया, एक कलेक्शन बनाने के लिए बंदों को 1 से 2 से 3 साल लग जाते हैं, वो अलग बात है कि अगर तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है, तुम अंबानी के बेटे हो तब तो चलो निकाल लोगे एक ही दिन में, लेकिन भाई सबके पास पैसा नहीं होता, ठीक है। तो सब लोग गाइस मेहनत करते हैं, फ्री फायर के अंदर गेम खेलते हैं, मिशंस करते हैं, तब जाके ऐसे ऐसे इमोट्स मिलता है, ये मिलता है, ऐसे ऐसे कर करके धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप्स करके इतना बड़ा कलेक्शन बनता है किसी बंदे का आईडी का, ठीक है। जैसे गाइस ये वाला जो पांडा हो गया हमारा पारा सा प्यारा सा ये भी मिला था, फिर हमारी सेकंड एनिवर्सरी आई जिसमें गाइस हम लोग को और भी फ्री रिवॉर्ड्स मिले, याद होगा आप लोग को ये इलाइट पास तो हम लोग को फ्री में मिला था, इससे गाइस यार लोग की कलेक्शन की 4 चांद बन गई थी, क्योंकि इलाइट पास फ्री में मिला तो एक बार में इतने सारे रिवॉर्ड्स आए, एक इलाइट पास फ्री में अगर मिल जाता ना गाइस तो इतने सारे रिवॉर्ड्स आते हैं कि जिससे गाइस एक बंदे का कलेक्शन अच्छा खासा बन जाता है एक बार में ही, क्योंकि यार एक इलाइट पास में कम से कम 15-20 रिवॉर्ड्स होते हैं, आपको पता होगा इमोट सब चीज़ मिला मिलू के, बंडल्स वंडल्स सब आपने देखा होगा, ठीक है। तो एनिवर्सरी, फिर थर्ड एनिवर्सरी भी एक टाइम पर आई जिसमें गाइजर आप लोग को इतने सारे रिवॉर्ड्स गाइजर मिले, आप लोग को याद होगा ये टोकन्स गाइजर हम लोग को क्लेम करना पड़ रहा था, फिर आलोक भी गाइजर एक टाइम पर आया था, लोगों ने इतने मेहनत से गाइस आलोक लिया, आप लोग सोच सकते हो 199 डायमंड के डिस्काउंट में, क्योंकि स्टोर पे गाइस आपको याद होगा कुछ डिस्काउंट आया था, फिर इस समर वाला इवेंट गाइस आपको याद होगा गाइस, ऐसे कर करके आप लोग ने कितने इवेंट में मेहनत किया है,
आप लोग खुद दिमाग लगाओ। और जो बंदे अभी खुश हो रहे हैं, मतलब जिनकी आईडी बैन नहीं हुई है, उनको कैसे लग रहा होगा क्या करना है भाई, मेरी आईडी थोड़ी बैन हुई है। लेकिन जिन बंदों की आईडी बैन हो गई है तो उन बेचारों को रियल गाइसर पता लग रहा होगा कि कितना गाइसर लोग ने मेहनत किया, तब जाके उनकी गाइसर फ्री फायर की जो आईडी है वो कुछ गाइसर ऐसी बनेगी तुम लोग गाइसर दूसरे लोग को दिखा पाएगी ये मेरी आईडी है, तुम लोग ने उसमें गाइस अपना केडी मेंटेन किया, बहुत कुछ मेंटेन किया। आप लोगों को यार ये इवेंट्स याद आ रहे होंगे, कितने प्यारे प्यारे इवेंट थे। तो लगा लो गाइस इतना मेहनत किया है बंदों ने तब जाके उनकी कोई आईडी बनी है। जो मजाक सोचता है, जो लोग सोचते हैं कि भाई जिसके पास पैसा है वो तो मजाक सोचता है सब चीज़ों को, बट एक आईडी बनाने में मेहनत कर, मतलब जिस बिना पैसे के बहुत टाइम लगता है एक आईडी को अच्छा खासा मेंटेन करने का, इतने सारे रिवॉर्ड्स लेने के, ठीक है। बट आप लोग खुद सोच लो, गरीना फ्री फायर इतना बेशरम है कि उसने गाइस बंदों की आईडी बैन कर दी विदाउट एनी रीज़न। मतलब जिन बंदों ने इतना कलेक्शन बनाया था, इतना मेहनत किया था, 70 लेवल 80 लेवल किया था अपना, इतना मेहनत कर करके उनकी आईडी बैन कर दी, ये भी नहीं सोचा कि भाई इन बंदे कब से फ्री फायर खेल रहे हैं, हमारे इतने पुराने यूजर है। मैं लोगों की गाइसर आईडी बैन नहीं करता हूं, फ्री फायर वालों के गाइसर किसी बंदे ने ये नहीं सोचा कि इनकी आईडी बैन नहीं करते हैं। भाई ये बंदा इतने मेहनत कर रहे हैं, इतने साल से खेल रहे हैं, मतलब एक झटका नहीं लगा इन लोगों आईडी बैन करने में। मतलब लोग टॉपअप कर रहे हैं उसमें भी उनकी आईडी बैन हो जा रही है। आजकल नया कुछ आ रखा है कि टॉपअप या फिर कुछ वीकली मेंबरशिप ले रहे हैं, गरीना ऑटोमेटिकली आईडी बैन कर दे रहे हैं बेफालतू का गाइस, ठीक है। चलो जो बंदे ने गाइस हैक किया है तो उनको फिर भी दुख हो रहा होगा, बट उस लेवल का नहीं हो रहा होगा, सबको अपनी आईडी का दुख होता है। बट किसी किसी ने हैक यूज़ किया तो उसकी भी आईडी बैन हो रखी है, तो उसमें तो गाइस हम कुछ कह नहीं सकते। बट लेकिन जिनकी आईडी यार बिना कोई कुछ करे बैन हुई तो उनके लिए मेरे को बुरा लग रहा है, इसीलिए गाइस मैंने आप लोगों को दिखाया कि कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। तो आप लोगों को गाइस आईडी बैन वालों को अनबैन वाले करना है तो आप लोगों को क्या करना है, हर जगह गाइस लेट्स वोट फॉर आईडी अनबैन फैला दो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी कुछ कर सकूँ आप लोग के लिए। तो मैं आप लोग के लिए गाइस ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग की जो आईडी है वो अनबैन हो जाए कुछ ना कुछ करके, ठीक है।